हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। इससे संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को मेरठ में 325 नए मरीज मिले हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरठ में 5,205 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें से 182 लोगों में कोविड-19 मिला है। CMO डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि संक्रमण की दर समान बनी हुई है। 1,051 मरीज आइसोलेशन में हैं, 177 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं और गत दिनों में संक्रमण की दर 9% तक हो गई थी। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में 100 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। 200 बेडों वाले धन सिंह कोतवाल केंद्र को फिर से शुरू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण, एलजक, माहौल और सांस की बीमारियां बढ़ने के बावजूद बड़ी संख्या में मरीजों की जान बचाई गई है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ी, लेकिन मौत की दर घटने से प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। चिकित्सकों का दावा है कि सर्दियों में कोरोना कहर नहीं ढा पाएगा। संक्रमकता बढ़ने के बावजूद वायरस की मारक क्षमता में कमी आई है। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड के डॉक्टरों ने मार्च से अब तक कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बनाया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य आलोक कुमार ने भी कोरोना के पैटर्न की पड़ताल की है।